हेलो बच्चे बाटे, वेलकम टू अवर क्लास आर्या कोचिंग। एज यू नो दैट दिस इज द क्लास वेयर यू कैन फील फिजिक्स, यू कैन रियलाइज फिजिक्स एंड यू कैन क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। एंड मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड, बहुत बार हमने कहा है कि इफ यू आर लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, सो डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। सो गेट रेडी फॉर फॉल इन लव विद फिजिक्स। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 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 आप मन से फिजिक्स पढ़ते हैं, उसको समझ के पढ़ते हैं, फील करते हैं फिजिक्स को, तो आपको प्यार करने की किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप फिजिक्स से ही इस मोहब्बत प्यार कर बैठेंगे। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर हम पिछले वीडियो को ध्यान में लाते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्टर्ड का प्रयोग और बायोसिमिलर नियम। ऑस्टर्ड ने क्या बताया था? ऑस्टर्ड ने बताया था कि अगर कोई ओपन वायर है और उसमें कोई करंट फ्लो होता है, जब वो करंट फ्लो होता है तो उस ओपन वायर के सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट होता है, वो फील्ड क्या कहलाता था? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन ऑस्टर्ड ने ये नहीं बताया था कि आखिर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बारे में बताया था एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं, क्या कहते हैं उनको, बायोसिमिलर ने, ठीक है। बायोसिमिलर ने बताया कि आखिर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसके लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन भी देखा था, मतलब एक फार्मूला भी दिया था, और वो फार्मूला क्या था? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π into आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, क्या फार्मूला था? डी बी इज इक्वल टू होता था म्यू नॉट अपॉन 4π into आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हुआ करता था db is equal to mu naught upon 4pi into i delta l sin theta upon r square। इट्स अ फार्मूला फॉर बायोसिमिलर लॉ, ओके। सो अब इसे हमें याद रखना है, लेकिन एक और बात मैं बता दूं, अब ये जो db का मतलब क्या था, एक उस वायर का छोटा सा टुकड़ा लिया था, एक छोटा सा अवयव था, उस अवयव के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न हुआ करता। लेकिन अगर हम कहें कि पूरे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो जब संपूर्ण तार की बात करते हैं तो हमने बताया है, हजार बार बताया होगा कि जब संपूर्ण की बात हो, पूरे तार की बात होती है, तो हमें यूज करना होता है इंटीग्रेशन, और तब हम डी हटा देते हैं, तो पूरे तार के लिए जो इंटीग्रेशन मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी बी, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर ये सारी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये एक डेरिवेशन देखेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एक अदिश राशि नहीं है, बल्कि एक सदिश राशि है, इसमें भी एक दिशा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर दिशा किधर होती है, उसकी दिशा क्या होती है। दिशा ज्ञात करने के लिए आज हम लोग देखते हैं, एक नियम होता है जिसे हम बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस दाएं हाथ से हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर टू पॉइंट्स नोट किए हैं, 1 और 2। मान लिया ये एक ओपन वायर है, इस तरह इस ओपन वायर में आई धारा बह रही है, ठीक है। अब ये धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां पर और किधर होगा ये हमें जानना है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं, मान लिया ये एक ओपन वायर है, ठीक है, और इस ओपन वायर में एक जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान लिया इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें, अगर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हमें क्या करना होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है उस डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा ले करके उसे होल्ड कर लेते हैं, लाइक दिस। देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था करंट, और इसी डायरेक्शन में हमारा अंगूठा है, ठीक है। अब ये हमारी फोर फिंगर्स, देखिए ये हमारी चार उंगलियां हैं। अब हम यहां पर अगर देखेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आपकी ओर है, लाइक दिस। हमारी उंगलियां देखो किधर जा रही हैं, आपकी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये इस दिशा में होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस दिशा में होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं इस डायरेक्शन, इस बिंदु पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इस तरह से होल्ड करेंगे डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन में हमारा ये अंगूठा है, और उंगलियां जो हैं आप देख रहे हैं कि उंगलियां किधर हैं, अब हमारी तरफ इशारा कर रही है,
तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर हमारी ओर होगा और इस पॉइंट पर आपकी ओर होगा, समझ रहे ना। आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर में, पेन लेकर के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। इट्स वेरी इजी, समझना बहुत ही आसान है कि क्या है। मान लिया कोई ये ओपन वायर है, इसमें एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करना है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर आपकी ओर होगा, मतलब बाहर की ओर है। लेकिन जब इस बात की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर हमारा जो डायरेक्शन होगा वो हमारे ओर होगा, भीतर की ओर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यही रूल यहाँ पर हम लगाते हैं कि मान लिया ये एक वायर है और इस वायर में आई एम्पियर की धारा इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब इस डायरेक्शन में आई एम्पियर की धारा बह रही है तो अब हमें जो वायर को कैसे होल्ड करना है, ऐसे तो होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि अंगूठा इधर साइड में हो जाएगा। हमेशा अंगूठा किधर होना चाहिए, हमेशा करंट फ्लो करने की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब हम ऐसे पकड़ेंगे तो हमारा अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा। और अब देख रहे हैं कि हमारा, अगर मैं पी पॉइंट की बात करूंगा तो पी पॉइंट पर कैसे होगा, हमारा डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, हम कह सकते हैं आउटसाइड होगा। ठीक है, पी पॉइंट पर किधर होगा, आउटसाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। पी पॉइंट पर हमारा डायरेक्शन आउटसाइड होगा और क्यू पॉइंट पर जो हम बात करेंगे, क्यू पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। तो क्यू पॉइंट पर हम अगर ध्यान से देखें, थोड़ा समझने की बात करें, तो अगर इस वायर को अपने यहां पर रख ले तो यहां पर Q इधर नीचे पड़ेगा जाके, और जब Q नीचे पड़ेगा जाके तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंगुलियां जो है हमारी फोर फिंगर्स हैं वो नीचे की ओर जा रही होंगी, समझ रहे ना। तो यहां पर जो अंगुलियां हैं वो नीचे की ओर जा रही होंगी, यहां पर जो P पॉइंट पर अंगुलियां ऊपर की ओर आ रही हैं और Q पॉइंट पर नीचे की ओर जाने लगेंगी। अर्थात ये जो Q पॉइंट है उसमें जो डायरेक्शन होगा वो भीतर की ओर होगा और P पॉइंट पर आउटसाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनसाइड, मतलब Q पॉइंट पर इनसाइड और P पॉइंट पर आउटसाइड। इसी प्रकार अगर इस प्रकार का वायर हो, मतलब परपेंडिकुलर रखा हुआ है वायर, तब कैसे होगा, तब हमें देख रहे हैं जो करंट फ्लो हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है। अब जब करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहां पर अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं, यहां पर जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, तो हमें जो वायर है कैसे होल्ड करना है, वायर को ऐसे होल्ड करना है क्योंकि ये जो अंगूठा होना चाहिए किधर होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए क्योंकि करंट नीचे फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से जब हम पकड़ेंगे तो ये जो यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखिए जरा, ऐसे मैं खड़ा हो जाता हूं, इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पर हमारी अंगुलियां भीतर की ओर जा रही हैं, भीतर की ओर जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं क्यू पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, भीतर की ओर होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, तो क्यू पॉइंट पर किधर होगा, इनसाइड। और यहां पर पी पॉइंट, पी पॉइंट पर हमारा जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो पी पॉइंट पर फिर ये घूम करके ऊपर की ओर आने लगेंगी, अंगुलियां जो है ऊपर की ओर आने लगेंगी। अतः यहां पर पी पॉइंट पर किधर होगा, आउटसाइड होगा, आउटसाइड हो गया। मतलब कहने का है बस ये, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, बहुत ही समझ के पढ़ना है फिजिक्स को, कुछ भी रटना नहीं है। मैंने हजार बार कहा है कि हमारे चैनल का मोटो ही है कि आपको फिजिक्स में समझ में आए, फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है। और जब आप फील करेंगे फिजिक्स से तभी तो प्यार होगा ना, तो प्यार करते रहिए। और अगर हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए फिजिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्शन देख चुके हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है हमें पता चल चुका है। लेकिन अब हम और पढ़ते हैं वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र आखिर कैसे, ये डेरिवेशन करना है और समझ लेते हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से देखें जरा, यहाँ पर एक वृत्ताकार लूप दिया गया है ये, ठीक है, और इसका जो सेंटर है ये ओ है, इसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो ए है, और इसके सेंटर से, मतलब केंद्र से एक्स दूरी पर, इसकी एक्सिस में एक्स दूरी पर एक बिंदु यहां पर है पी, ठीक है, और इस पी पॉइंट पर हमें
मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, समझ रहे ना। मतलब एक ये वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या ए है, इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इस लूप में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, मैंने बताया था ना किसी भी लूप का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, किसी भी चीज का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, तो हजार बार हम लोगों ने देखा है कि पहले छोटे से पार्ट के लिए निकालते हैं और उसके बाद में पूरे उस तार के लिए निकालते हैं या पूरे लूप के लिए निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे से भाग के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। मान लिया यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है इस टोटल लंबाई का, जिसे हम लिखेंगे डीएल, ठीक है। इस डीएल लंबाई के तार के कारण हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, और जब छोटे से पार्ट के लिए ज्ञात हो जाएगा फिर हम बड़े से पार्ट के लिए इंटीग्रेशन निकाल लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये एक डेल्टा एल, ये हमने एक पार्ट ले लिया है और इस डेल्टा एल की उस बिंदु पी से दूरी जो है वो आर है, ठीक है। मतलब डेल्टा एल की बिंदु पी से दूरी कितनी है, आर है। अब हमने ये मान लिया है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये जो डीएल है, डीएल का इस बिंदु पी के साथ में और इसके साथ में जो डायरेक्शन है वो फाई है, ठीक है। अगर ये फाइव होगा तो ये 90 माइनस फाइव होगा, बिकॉज यहाँ पर 90 है, 90 ये हो चुका है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, 90 ये हो गया। अब 90 और बचा, 90 में दोनों बांट दिया तो इसका ये फाइव कर दिया तो ये 90 माइनस फाइव हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है, इससे इसकी त्रिज्या जो है A है, x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, एक छोटा सा अवयव DL है, इस DL की बिंदु P से दूरी R है, ठीक है, इतना याद कर लिया। अब इस पॉइंट के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा बच्चा, तो याद रखिए इसकी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमेशा हमें मालूम है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परपेंडिकुलर दिशा में होना चाहिए सबसे अधिक, तभी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होता है ना। मतलब जब थीटा जो है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशा में सबसे अधिक होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बायो सीमेंट के नियम में, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इनटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो साइन थीटा था, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू सबसे अधिक कब होता है, साइन 90 पर, क्योंकि साइन 90 का मान ही एक होता है और यही सबसे अधिक होता है। तो मतलब कहने का ये है, अगर हमें सबसे अधिक वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात करनी है तो थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री पर हो गया, ये 90 माइनस 5 हो गया, तो इधर कितना बचा, तो इधर सिंपल सी बात है 5 बचा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होता है, 180 होता है, और इस 180 में 90 माइनस हो गया, अब बचा 90 माइनस 5 हो गया, तो क्या बचेगा, सिंपल सी बात है 5 बचेगा, ये समझ लेना आपको। अब क्या करना है, अगर किसी एंगल पर डीबी होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र 5 अंश के कोण पर है, ये और इसके 5 अंश के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर दिखाया गया है। अब ये जो फाई पर है, तो ये ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, मतलब कहने का ये ना ही ये क्षैतिज है और ना ही ऊर्ध्वाधर है, ये बीच में जा रहा है, और जब बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र जाएगा तो उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दिया जाता है। याद रखिएगा, क्षैतिज घटक के साथ में हम फाई कॉस रखते हैं तो ये कॉस फाई हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक के साथ में हमेशा साइन रखा जाता है तो ये साइन फाई हो जाएगा। तो क्षैतिज वाला कॉस फाई, ऊर्ध्वाधर वाला साइन फाई। इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट यहां पर मान लिया डीएल होगा, और ये भी ऐसी कंडीशन बनाएगा, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पर भी कॉस फाई और इधर को साइन फाई होगा। लेकिन अब ये समझना है कि ये साइन फाई ऊपर की ओर है, ये साइन फाई नीचे की ओर है, तो ये वाला साइन फाई इस वाले साइन फाई के इफेक्ट को खत्म कर देगा, एक दूसरे के
प्रभाव को नष्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर cos phi और cos phi सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, sin phi के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। ये हमें सारी की सारी बातें समझ के रखना है। इस फिगर को जैसे मैंने समझाया है, आप एक बार अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज देख लीजिएगा, दोबारा थोड़ा सा पीछे बैक करिए और इसे देख लीजिएगा, और फिर समझते हैं आगे कैसे करना है डेरिवेशन, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं एक बार वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे करते हैं। भाई हमने क्या बताया, इस डीएल के कारण यहाँ पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला पता है ना, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π(I)δL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा रखना नहीं है, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 डिग्री है, इसलिए साइन थीटा का मान तो 1 हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π(I)δL साइन थीटा 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। और यहाँ पर cos phi इंटू cos phi, क्योंकि cos phi वाला ही केवल इफेक्ट दिखाएगा, sin phi तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है, तो इंटू में cos phi। अब यहाँ पर हम देखें, अगर dB का वैल्यू हम लोगों ने म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू IdL अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग निकाल के यहाँ पर जरा रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहूँ तो इसमें गलत कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो कॉस फाई निकालते हैं, जरा इस फिगर से ध्यान से देखना, जरा इस फिगर में कॉस फाई कैसे निकालेंगे, ये फाई है और कॉस फाई निकालना हम लोगों को। तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। इस फाई के लिए जो आधार होगा वो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि ये जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाला लंब होता है और बगल वाला आधार होता है। तो यहां पर क्या है, आधार आधार ए और कर्ण क्या है, तो कर्ण है आर, तो यहां पर आर हो गया। और ये कॉस फाई का जो वैल्यू है, इस cos phi के वैल्यू को यहां पर पुट अप करा देना है, तो dB is equal to क्या बन जाएगा, dB is equal to बन जाएगा mu not upon 4π into IdL upon r square into में cos phi का वैल्यू है a upon r, ठीक है। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं dB is equal to mu not upon 4π into IaDL upon आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर ये और आर ये आर क्यूब बन गया। तो ये हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया है, वो भी किसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है, ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात है केवल और केवल जिस छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन हमें ज्ञात करना है पूरे इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और जब पूरे लूप की बात होती है तो हमने बताया है इंटीग्रेशन आता है, तो हम लिखेंगे संपूर्ण लूप के कारण या संपूर्ण चुंबकीय वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी जो वैल्यू है यही रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू IaDL अपॉन आर क्यूब। और यहां पर हमें पता है इंटीग्रेशन केवल dl का होगा, सब कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर कर देंगे, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू IA अपॉन आर क्यूब, ये सब बाहर हो गया, केवल dl को अंदर रखेंगे। अब dl हमें पता है कि dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x होता है, इसी प्रकार dl का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। लेकिन जो l है वो है क्या, तार की लंबाई, यहाँ पर तार नहीं है, यहाँ पर वृत्ताकार लूप है, तो इस वृत्ताकार लूप की टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, समझना जरा, यहाँ पर थोड़ा गौर करके समझिए कि यहाँ पर वृत्ताकार लूप की टोटल लंबाई क्या हो जाएगी। मान ले यहाँ से चले तो ये लंबाई पूरी लंबाई जो होगी वो उस पूरे वृत्ताकार लूप की परिधि कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन dl को क्या लिखना है, वृत्ताकार लूप की परिधि, और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, लेकिन यहाँ पर r जो होती है त्रिज्या होती है, और यहाँ पर त्रिज्या a है, तो यहाँ पर 2πr ना लिख करके 2πa लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dl की जगह पर क्या लिखेंगे, 2πa, तो b इज इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4π
इंटू आई ए अपान में आर क्यूब और इंटू में टू पाई ए। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, टू से टू, टू जा फोर हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान टू आर क्यूब इंटू में आई ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ए ए स्क्वायर अपान में टू आर क्यूब बच गया। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल आया है। अगर हम यहां पर आर की वैल्यू को थोड़ा सा अच्छी तरीके से रखें, आर की वैल्यू को ए और एक्स के वैल्यू में तोड़ के दे, तो फिर आर की वैल्यू क्या होगी भाई, तो यहां पर समझना जरा आर की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं। इस ट्रायंगल में देखिए, ये छोटा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है हमें, इस ट्रायंगल में आर जो है कर्ण होगा, और कर्ण का जो वैल्यू फार्मूला होता है, कर्ण इज इक्वल टू होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो वहीं पर अगर मैं आर का वैल्यू निकालूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी ये ए है, ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहां से आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब रूट को हम लिखते हैं पावर 1/2 के रूप में। ठीक है, तो लिख दिया, और ये आर का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में आर का वैल्यू पुट अप कराइए, तो क्या बनेगा इक्वेशन, तो बनेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, टू टू आर 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 का जो वैल्यू है क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहां पर आर क्यूब था तो इसकी भी तो पावर ऊपर होगी 3, तो यहां पर 3/2 बन जाएगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ए स्क्वायर अपान में टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस, और ये IIT JEE और इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा डिपेंड कुछ इसमें एक कंडीशन बन सकती है कि अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ पर ले जाऊँ तो x का वैल्यू कम हो जाएगा, धीरे धीरे इस पी पॉइंट को नजदीक लाते जाओगे एक्स का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि इस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, मतलब इस लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो केंद्र के लिए जो एक्स होगा, ये यहां पर अभी एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, इस बिंदु पी की दूरी है ना, अब यहां पर जब बिंदु पी इसी ओ बिंदु पर आ जाएगा, केंद्र पर ही आ जाएगा, तो वहां पर एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो पी यहां पर उससे यहां पर आ गया है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर केंद्र पर की बात होती है तो एक्स का वैल्यू जीरो, और जब जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बचेगा, तो देख लेते हैं, देखें लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर क्या हो जाएगा, बी तब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में टू, और यहां पर ए स्क्वायर ये तो जीरो हो गया, एक्स का वैल्यू जीरो की पावर बचेगी 3/2, और ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में टू ए क्यूब बच जाएगा, केवल टू टू कैंसिल। और ये फार्मूला है एक चुंबकीय क्षेत्र का, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वृत्ताकार कुंडली की अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबके पास शेयर करिए, और हमारा सपोर्ट करते रहिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।